स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मैं हूं आदाब खान और वक्त हो चला है आज की तमाम ताजा खबरों से आपको रूबरू कराने का। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेता एवं स्टार प्रचारक दामोदर सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर हार की समीक्षा की। यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं ईवीएम मशीनों की जीत है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की पर्याप्त गुंजाइश है, इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है और ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ होने के बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी और जनता से किए वादे पूरे करेगी। दतिया से शेखर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।